छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से दो दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ये पोटाकली में स्थित महावीर खेल मैदान में आयोजन किया गया, जिसमें कि दुर्ग, मुंगेली और अंबिकापुर के टीमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन का क्या मकसद था, ये हम आपको आगे की वीडियोस में बताएंगे। तो साथियों, मैं इस वक्त मोटिया कला दुर्ग में हूँ, जहाँ महावीर मैदान बोलते हैं, यहाँ आया हूँ और यहाँ दो दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है तो दिव्यांगों का। तो देखते हैं, आयोजक से बात करते हैं, गेस्ट हैं उनसे बात करते हैं, खिलाड़ियों से बात करते हैं, आयोजन का क्या मकसद। आइए दोस्तों। बच्चे अपने स्तर पर थे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बच्चे लोग सबसे बड़ी बात हमारे साथ मुंगेली के कप्तान हैं लकी जी, जो अभी फाइनल में पहुंचे हैं दो दिवस, उसे बात कर लेते हैं। कैसा अनुभव रहा? मैच काफ़ी अच्छा हुआ। पहले मैच में हमने कुछ कारणवश हमें हार घोषित हार मिली। दूसरा मैच हमने फिर दुर्ग के पक्ष में खेलते हुए बहुत अच्छा खेला, उन चीज़ों की कमी दूर किए, उसके कारण हमने दूसरा मैच भी जीता, उसके कारण हम फाइनल खेल पा रहे हैं। और अच्छा लगेगा कि हम अंबिकापुर के साथ खेलेंगे, जिनसे हमारी पहली हार हुई थी, अभी देखेंगे उनको हराना है इस बार। हाँ, ये चीजें हैं, ये जज्बा है, स्पोर्ट्स वाला है ना। अच्छा, तो क्या बोलेंगे, जैसे जो बच्चे बाहर से देख रहे हैं है ना, जो कहीं ना कहीं इस चीज इस पीड़ा को सह रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं हम नहीं कर सकते, तो उसके बारे में आप क्या संदेश देंगे? मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ में ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप कोई भी चीज़ को पहले से हार नहीं मानना चाहिए, कोई भी चीज़ को आपको प्रयास जरूर करना चाहिए कभी ना कभी। क्योंकि मैंने भी अभी तक इतना दूर धीरे धीरे आज के डेट में मैंने प्रयास करते आज के डेट में मैंने बहुत चीज़ सीखी, और इस गेम से हमको ये भी बहुत सारी चीज़ें, हमको डेली लाइफ में भी अच्छा होता है। जो प्लेयर्स जैसे मान के चलो जो पैर से हैं, वो सोचते हैं कि हम चल नहीं पाएंगे लंबा, आज के डेट में कुछ कुछ प्लेयर्स हमारे पास ऐसे हैं कि जो दौड़ते हैं, भागते हैं, ये सब चीज़ें हमें फ़ायदा मिलती है। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फाइनल के लिए जी, और दोनों पूरी ताकत लगाएं जी। तो हमारे साथ में अभी इस वक्त प्लेयर्स हैं, साथ में जो आयोजक के एक प्रकार से बोल सकते हैं कि आशीष, जिनका रहता है हमेशा हर प्रोग्राम में, और इस दो दिवसीय क्रिकेट मैच के जो गेस्ट हैं वो हैं सलीम सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है कि एक आपके जो स्टूडेंट हैं जिनको आपने खड़ा किया, वो आज आयोजन करा रहे हैं दो दिवस से। नमस्कार सबको। सबसे पहले तो मैं बता दूं शिव कुमार जी कि मैं अब गेस्ट नहीं हूँ भाई, मैं भी खिलाड़ी हूँ। देख, टी शर्ट है। अच्छा, आप भी खेल रहे हैं साथ के साथ? नहीं, मैं गेस्ट और बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूँ, इस आयोजन का जो उद्देश्य था वो ये है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जितने दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जो संभवतः इस खेल के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम लोग ऐसे ये जो आयोजन है जो एक जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर कर सकते हैं, ऐसा आयोजन करने का बीड़ा जो है हमारे रोहित कुमार यादव जी ने उठाया। रोहित कुमार यादव, ओंकार साहू, इन दोनों ने मिलकर, ये दोनों बच्चों ने सारा आयोजन किया। और ये टवन कुमार जी जो हमारे साथ खड़े हैं, आप जो ट्रॉफी देख रहे हैं, ये आपकी माता जी, इनकी माता जी की स्मृति में ये ट्रॉफी इनकी तरफ से है, और इन्होंने भी सहयोग किया है, आर्थिक सहयोग भी किया है। तो हम चाहते हैं कि जब ऐसे सहयोगी हमारे साथ खड़े होंगे, तो ये जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ से जो दिव्यांग बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये दिव्यांग बच्चे जो आज छत्तीसगढ़ से दिख रहे हैं, कल यही अगर ऐसे सहयोग हमको प्राप्त होता रहा, तो हम नेशनल लेवल की जो बड़ी टीमें हैं, मुंबई, महाराष्ट्र ये सब बोलते हैं, उनको भी यहाँ पे खड़ा करने में सक्षम होंगे। इस ग्राउंड के लिए, इस ग्राउंड का परमिशन जिस भी संजय भाई ने दिया, उनका भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उद्देश्य ये है कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जो दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी है, जिनको नहीं मालूम है कि इस तरह का खेल राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है, वो हम आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी के सहयोग के माध्यम से हम लोगों से जुड़ें। जब हमारे पास आएंगे, तो हमारे पास जो है, आपको बताऊं मैं, हमारे पास ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं। प्रवीश चंद्र सोनकर जी हमारे पास खड़े हुए हैं, ये मेरे कैप्टन हुआ करते थे कुछ समय पहले तक, आज भी वो खेल रहे हैं। आज उन्होंने अपना सहयोग दिया कि जब हमको लगा, तो आज उन्होंने अपने मन से अंपायरिंग की है पूरे मैच की, पिछले मैच की। इनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा है। ये भाई साहब भी आज हमारे साथ सहयोग करने के लिए, संजय ठाकुर जी, ये भी क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे। मेरे ख्याल से ये ग्राउंड इनके सामने ही बना होगा,
तो ऐसे इन लोगों ने इतना अच्छा आत्मिक सहयोग दिया, मतलब जब बैठे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि पहली बार मिल रहे हैं। खैर प्रवीश जी तो बहुत क्लोज है हमारे साथ, तो ऐसे लोगों का सहयोग जो उन बच्चों को मिलेगा जिनको क्रिकेट के बारे में खेल लेते हैं कहीं भी खड़े होके, एक्चुअल क्रिकेट क्या खेल रहा है उसका नॉलेज जो है वो प्रवीश हमेशा हमारे साथ रहते हैं तो हमको मिलता रहता है। उद्देश्य यही है छत्तीसगढ़ के कोने कोने के दिव्यांग बच्चे कॉन्टैक्ट करें, जिनको भी जो वो आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, रवीश जी को देख रहे हैं, रोहित यादव को देख रहे हैं, लक्की साहू जी के बारे में आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, थोड़ी सी राजनीतिक है फिर भी, क्योंकि इन्होंने अभी भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जी के साथ लगातार इन्होंने पदयात्रा की बहुत विषम परिस्थितियों में, और वहाँ की सारी खबरें, राजनीतिक नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हमारी टीम का प्लेयर होकर के एक राष्ट्रीय स्तर का जो भी प्रोग्राम चल रहा है जिस भी पार्टी का जैसा भी है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और उसके बाद इतना होने के बावजूद भी वो आज हमारे साथ खेलने के लिए उपलब्ध हैं, एक टीम के कप्तान हैं लक्की साहू। तो ये सब जो जज्बा है जो एक आम खिलाड़ी में होता है वो मेरे इन दिव्यांग खिलाड़ियों में बहुत अच्छे से आपको अभी जब मैच होगा तो देखने मिलेगा। आपके चैनल का मैं हमेशा धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप हमेशा सहयोग करते हैं, और मैं ये जो कैमरामैन में ले रहे हैं भाई साहब, मेरी मूंछ दिख रही होगी, आपसे निवेदन है कि इसको इतना वायरल कीजिए कि कोने कोने में सारे लोग और जो सहयोगी हमारे हैं आप इनको भी सामने लाइए। मैं चाहता हूं कि इनकी माता जी की स्मृति में जो टूर्नामेंट इन्होंने आज इस साल किया है छोटे स्तर पर, तवन भाई जी, अगले साल आपके मुँह से घोषणा सुनना चाहता हूँ कि माता जी की स्मृति में यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आप अपने मुंह से बोलिए। सर कुछ बोलिए, तमन सर कुछ बताए। आगे सबको पहले नमस्कार करना चाहता हूँ, इस वर्ष तो ज्यादा बड़ा कार्यक्रम नहीं करा पाए हम लोग, जल्दी में नहीं करा पाए, थोड़ा जल्दी में था, ज्यादा टीमें भी नहीं आ पाई है, आने वाले तो आने वाले समय में हम इससे भी बड़ा टूर्नामेंट कराना चाहेंगे, कोशिश करेंगे बाहर की टीमें और ज्यादा आएगी और बड़े से बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा उनको। वाह बहुत बढ़िया, ये आप जैसे सहयोगियों के कारण ही इन दिव्यांग बच्चों का जो स्तर है खेल का वो आगे बढ़ेगा और अच्छा खेल है। फाइनल मैच मुंगेली और अंबिकापुर के बीच में खेला गया जिसमें कि मुंगेली ने बाजी मारी, साथ ही मुंगेली टीम के सुमन ठाकुर को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही आपके आसपास अगर कोई खबर है तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।